नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चार ऐसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के बारे में जिन्हें आईपीएल 2020 में भारी भरकम पैसे मिल सकते हैं, यानी आरसीबी, केकेआर और सीएसके जैसी सभी टीमें इन्हें करोड़ों रुपयों में खरीद सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एडम जैम्पा का। एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्पिनर जैम्पा इससे पहले 2016-2017 में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के लिए खेल चुके हैं। उनके नाम आईपीएल में 11 मैचों में 14 की औसत से 19 विकेट दर्ज हैं। जैम्पा का आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है। इस शानदार गेंदबाजी को देखते हुए चेन्नई की टीम इमरान ताहिर के बैकअप के रूप में उन्हें जरूर अगले सीजन के लिए ऑक्शन में खरीदना चाहेगी। दोस्तों, एडम जैम्पा एक युवा लेग स्पिनर है। बाय चांस अगर इमरान ताहिर को कोई भी इंजरी हो जाती है तो उनके बैकअप के रूप में एडम जैम्पा अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरा नाम है मिचेल स्टार्क का। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का सबसे बड़ा सिरदर्द उनकी टीम की ख़राब गेंदबाजी है। ऐसे में वर्ल्ड के शानदार तेज गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क इस कमी की भरपाई को पूरा कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क इससे पहले भी आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.5 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा था, लेकिन चोटिल होने के कारण वे उस सीजन से बाहर हो गए थे। जबकि इस सीजन वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अगले सीजन वो ऑक्शन में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, मिचेल स्टार्क के टीम में होने से तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूती प्रदान होगी, साथ ही वे अन्य तेज गेंदबाजों का नेतृत्व भी कर सकते हैं। उनका साथ पाकर नवदीप सैनी जैसे तेज गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टार्क के नाम आईपीएल के 27 मैचों में 34 विकेट दर्ज है, जबकि उनकी इकोनॉमी लगभग 7 की रही है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा नाम है पैट कमिंस का। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को पिछले सीजन मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन चोटिल होने के कारण वे आईपीएल से बाहर हो गए थे। मिचेल स्टार्क की तरह पैट कमिंस भी इस समय वर्ल्ड के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 को ध्यान में रखते हुए अपने आप को फिट रखने के लिए इस सीजन के ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि पैट कमिंस का आईपीएल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने आईपीएल में 16 मैच खेलते हुए मात्र 17 विकेट ही चटका सके हैं, जबकि उनकी इकोनॉमी लगभग 8 के करीब रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने 20 टी20 मैचों में 25 विकेट चटकाए हैं, जबकि उनकी इकोनॉमी रेट 7 से भी कम की रही है। पैट कमिंस ने पिछले 1-2 सालों में अपने आप को साबित किया है। वे ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के लिए शानदार गेंदबाज बनकर उभरे हैं। ऐसे में इस सीज़न ऑक्शन में केकेआर की टीम उन्हें खरीद सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैट कमिंस पहले भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं। केकेआर की तेज गेंदबाजी की लाइनअप आईपीएल 2019 में थोड़ी सी कमज़ोर साबित हुई थी। ऐसे में अगर उनकी टीम फिर से कमिंस को खरीदती है तो उनके तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, चौथा और आखिरी नाम है ग्लेन मैक्सवेल का। दोस्तों, मैक्सवेल ने अपना पिछला सीजन दिल्ली के लिए खेला था, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उन्हें आईपीएल खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो मुंबई, पंजाब और दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में मैक्सवेल बेहद खतरनाक खिलाड़ी साबित होते हैं। ऐसे में आईपीएल 2020 में इन्हें भी भारी कीमत मिल सकती है। दोस्तों, हमारे हिसाब से अगर आरसीबी की टीम मैक्सवेल को खरीदती है तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में अच्छा हिटर बल्लेबाज मिल सकता है, जो एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर ताबड़तोड़ रन बना सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।